हाय गाइस, आप देख रहे हैं मायापुरी कट। मैं हूं आपके साथ सृष्टि और स्वागत है आपका मायापुरी अपडेट्स पर, जहां पर हम आप तक बॉलीवुड की सारी खबरें पहुंचाते हैं। सो लेट्स बिगिन। सैफ अली खान के बेटे इब्राहिम अली खान पिछले कुछ दिनों से चर्चा में बने हुए हैं। हाल ही में खबर आई कि इब्राहिम अली ने अपने पिता सैफ अली खान की तरह फिल्मों में अपना करियर बनाने का फैसला किया है और वो बहुत जल्द बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रहे हैं। प्रोड्यूसर करण जौहर उनकी पहली मूवी को प्रोड्यूस करेंगे। अब इब्राहिम की इस फिल्म को लेकर लेटेस्ट अपडेट सामने आ गई है। सोर्स ने बताया है कि इब्राहिम अली खान की पहली फिल्म का टाइटल सरजमीन होगा। ये एक इमोशनल थ्रिलर फिल्म होगी जिसमें इब्राहिम एक इम्पॉर्टेंट रोल में नजर आएंगे। 24 फरवरी के आसपास ये मूवी फ्लोर पर जा सकती है। फिल्म का प्री प्रोडक्शन का काम शुरू हो चुका है और मेकर्स फिल्म की शूटिंग करने की तैयारी कर रहे हैं। रिपोर्टेडली इब्राहिम अली खान की इस फिल्म में काजोल भी नजर आएंगी, जो पृथ्वीराज के अपोजिट दिखेंगी। बॉलीवुड की दिग्गज एक्ट्रेस जीनत अमन ने 71 ईयर्स की उम्र में इंस्टाग्राम पर डेब्यू कर दिया है। उन्होंने अपनी दो तस्वीरें पोस्ट की हैं जिन्हें फैंस बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। इसके साथ ही जीनत अमन ने पोस्ट शेयर करते हुए बताया कि 1970 के दशक में फिल्म और फैशन इंडस्ट्री मेल डोमिनेटेड हुआ करती थी। तस्वीरों में जीनत अमन कैजुअल ड्रेस में नजर आ रही हैं। एक्टर सलमान खान की मोस्ट अवेटेड फिल्म किसी का भाई किसी की जान का पहला लेटेस्ट सॉन्ग नहीं हो लगदा रिलीज हो गया है। रिसेंटली सलमान खान ने सोशल मीडिया पर इस गाने की टीजर को रिलीज कर फैंस के एक्साइटमेंट को बढ़ा दिया था। ऐसे में अब वैलेंटाइंस वीक में फैंस के दिलों में प्यार भरने के लिए सलमान खान और एक्ट्रेस पूजा हेगड़े का नहीं हो लगदा सॉन्ग सामने आ चुका है। सलमान खान इस रोमांटिक गाने में बी टाउन की मशहूर एक्ट्रेस पूजा हेगड़े के साथ रोमांस फरमाते हुए नजर आ रहे हैं। बॉलीवुड एक्टर सुनील शेट्टी की बेटी आथिया शेट्टी की शादी केएल राहुल के साथ हो चुकी है। भले ही केएल राहुल परिवार के दामाद बन गए हैं, लेकिन सुनील शेट्टी खुद को उनका ससुर नहीं बल्कि पिता मानते हैं। एक्टर ने बताया कि वो स्टेडियम में केएल राहुल को खेलते हुए देखते थे और वो उन्हें शुरू से अच्छे लगते थे। उन्होंने कहा कि वो नहीं जानते कि ससुर की भूमिका क्या होती है। वो केएल राहुल के फैन थे, आज एक रिश्ता है, लेकिन उन्हें राहुल से प्यार था, जैसे वो बहुत सारे यंग टैलेंट को करते हैं। वो यूथ को खेलते देखने के लिए वानखेड़े स्टेडियम जाते थे। साउथ सिनेमा के दिग्गज एक्ट्रेस की बात की जाए तो उसमें ज्योतिका सरवनन का नाम जरूर शामिल होगा। अपनी कमाल की एक्टिंग के दम पर ज्योतिका ने साउथ सुपरस्टार रजनीकांत के साथ फिल्म चंद्रमुखी को सुपरहिट साबित कराया था। ऐसे में अब बी टाउन एक्ट्रेस कंगना रनौत चंद्रमुखी 2 का हिस्सा बन चुकी हैं। इस बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है जिसमें ज्योतिका कंगना की तारीफ कर रही हैं। दरअसल कंगना रनौत ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक लेटेस्ट ट्वीट किया है। ट्वीट में कंगना रनौत ने साउथ सुपरस्टार ज्योतिका का एक थ्रोबैक वीडियो शेयर किया है, जिसमें ज्योतिका कंगना रनौत को अपनी फेवरेट बॉलीवुड एक्ट्रेस बताती हुई नजर आ रही हैं। रिसेंटली एक शो पर जावेद अख्तर ने बताया कि एक समय ऐसा था जब उन्हें शराब पीने की लत सी लग गई थी, लेकिन समय रहते उन्होंने शराब पीना बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि वो इसलिए पीते थे क्योंकि वो एंजॉय करते थे, ये खुशी थी, वो किसी गम में नहीं डूबे रहते थे। मगर उन्हें एक बात समझ में आई, कॉमन सेंस कहता है कि जिस तरह वो पीते थे उससे 52-53 की उम्र में उन्हें मर जाना चाहिए, इससे ऊपर उनकी उम्र नहीं जानी चाहिए। 31 जुलाई 1991 को वो रम की एक बोतल पी गए और इसके बाद दूसरे दिन से उन्होंने पीना छोड़ दिया। तब से लेकर अभी तक उन्होंने शैंपेन को हाथ तक नहीं लगाया है। एंटरटेनमेंट क्वीन राखी सावंत के हस्बैंड आदिल खान दुरानी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। एक तरफ राखी ने आदिल के खिलाफ मारपीट करने और धोखा देने का आरोप लगाया है, वहीं से बीच अब आदिल खान के खिलाफ रेप का मामला दर्ज होने की खबर आ रही है। रिपोर्ट्स हैं कि ईरान की एक स्टूडेंट ने आदिल पर रेप का मामला दर्ज करवाया है। आदिल के खिलाफ ईरान की एक छात्रा ने मैसूर के बीवीपुरम थाने में रेप का मामला दर्ज कराया है। शिकायत के मुताबिक ईरानी स्टूडेंट ने आदिल खान पर आरोप लगाया है कि उनसे शादी का झांसा देकर मैसूर के एक अपार्टमेंट में उनके साथ रेप किया गया, जहां वो साथ रहते थे। जानकारी के मुताबिक ईरानी लड़की ने 5 महीने पहले जब आदिल खान से शादी करने की मांग की तो उसने शादी करने से इनकार कर दिया और कहा कि उनके जैसी कई लड़कियों के साथ उसके इसी तरह के संबंध हैं। आमिर खान ने एक्टिंग से ब्रेक ले लिया है। हाल ही में उन्हें एक शादी में देखा गया जहां इंडस्ट्री के तमाम सितारे मौजूद रहे। इस शादी के कई वीडियो सामने आ चुके हैं, लेकिन आमिर खान की एक तस्वीर ने लोगों का ध्यान सबसे ज्यादा खींचा है। शादी से जुड़ी तमाम तस्वीरों में एक तस्वीर ऐसी है जिसमें आमिर खान वॉकिंग स्टिक लिए खड़े हैं। उनकी ये तस्वीर धड़ल्ले से वायरल हो रही है। इस वेडिंग में आमिर खान साउथ के ट्रेडिशनल एथनिक वेयर में नजर आए थे। उन्होंने सफेद रंग की धोती और क्रीम कलर का कुर्ता पहना हुआ था।
लंबे समय से फिल्म हेरा फेरी 3 सुर्खियों में है क्योंकि फिल्म से अक्षय कुमार के बाहर होने की खबर तेज थी। अक्षय कुमार ने खुद भी इसकी पुष्टि की थी और एक इवेंट के दौरान बताया था कि वो फिल्म की स्क्रिप्ट से सैटिस्फाइड नहीं थे, इसीलिए उन्होंने इस फ्रेंचाइजी से दूरी बना ली। इस खबर से जहां अक्षय के फैंस दुखी थे, वहीं अब हेरा फेरी के एक्टर सुनील शेट्टी ने एक बार फिर से इस पर रिएक्शन देते हुए कहा कि बिना राजू श्याम और बाबू भैया के हेरा फेरी बन ही नहीं सकती। उन्हें उम्मीद है कि जब भी ये बनेगी बेहतरीन बनेगी। एक्टर ने साफ कहा है कि राजू श्याम और बाबू राव के बिना हेरा फेरी की कल्पना नहीं की जा सकती है। बता दें कि रिपोर्ट्स के मुताबिक फैंस की डिमांड को देखते हुए मेकर्स अक्षय कुमार को दोबारा फिल्म में कास्ट करने की पूरी कोशिश में जुटे हुए हैं। बॉलीवुड के कबीर सिंह यानी शाहिद कपूर ने फेमस डायरेक्टर जोड़ी राज और डीके की थ्रिलर फर्जी के साथ अपना डिजिटल डेब्यू कर दिया है। फर्जी के साथ अपना ओटीटी डेब्यू करने वाले शाहिद कपूर ने सीरीज के लिए मोटी रकम चार्ज की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक्टर ने सीरीज के लिए 30 करोड़ रुपए चार्ज किए हैं, लेकिन ये सिर्फ रिपोर्ट्स हैं, इसकी कोई भी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन सामने नहीं आई है। आज मायपुरी अपडेट्स पर बस इतना ही। आगे की सारी चटपटी बॉलीवुड अपडेट्स के लिए स्टे ट्यून टू आवर चैनल। इसी के साथ अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।